सादे वर्ल्ड ऑफ वंडर के ऑपरेशन इंचार्ज अमित गुप्ता जी। सर सबसे पहले टेक न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर जैसे कि वाओ वाटर पार्क के ठीक सामने हम खड़े हैं, आज वीकेंड डेज है फिर भी यहाँ काफी ज्यादा लोग एंजॉय कर रहे हैं अपने फैमिली के साथ, तो क्या कहना चाहेंगे कि वीक डेज पे कितने लोग आते हैं यहाँ और वीकेंड पे कितने आते हैं, नॉर्मल वर्किंग डेज में कितने लोग आते हैं? बेसिकली वीकेंड्स पे हमारे पास ज़्यादा क्राउड होता है, नॉर्मल वीक डेज में भी अच्छा क्राउड होता है बट उसके मुकाबले कम होता है थोड़ा सा, वीक डेज में कम होता है। सर लगभग डेली कितने लोग आते हैं और वीकेंड में कितने, थोड़ा इनकी संख्या आप बता सकते हैं? संख्या हमारे पास बस इतना है कि सैटरडे संडेज को ज़्यादा होती है और नॉर्मल वीक डेज में कम होती है। स्ट्रेंथ का कोई काउंट नहीं है हमारे पास, हम उतना लेते हैं जितना हमें लगता है कि हम कम्फर्टेबली एडजस्ट कर सकते हैं। सर बात करें ये वाओ वाटर पार्क के चार्जेस की, तो कितने यहाँ चार्जेस हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, टाइमिंग क्या है इसका खुलने का? टाइमिंग सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक है बट हम सैटरडे संडे को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं टाइमिंग्स को, सो दैट दे कैन कम्फर्टेबली एंजॉय देयर राइड्स एवरीथिंग, अच्छे से कम्फर्टेबली मजा ले सकें सारी राइड्स का, बच्चे भी एंजॉय कर सकें, बड़े भी कर सकें, टीनेज भी कर सकें। लोग आते हैं यहाँ एंजॉय करने के लिए? NCR से लोग भी आते हैं, पंजाब से भी आते हैं, हरियाणा से भी आते हैं, यूपी के बिल्कुल लास्ट बेल्ट से भी आते हैं, मतलब आसपास से भी आते हैं। सर लगभग कितनी राइड्स है इस वाटर पार्क में? इस वाटर पार्क में अराउंड 18 राइड्स हैं। सर मोस्टली सबसे ज्यादा आपकी फेमस कौन सी है उसके बारे में थोड़ा कुछ बताएं? लोग यहाँ पे वेव पूल और वेव पूल की वेव्स पर एंजॉय करते हैं। अच्छा सर, जैसे कि हम वेव के सामने ही खड़े हैं, आपके यहाँ डीजे भी है तो इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं डीजे कब तक? हर जगह हर तरह के इवेंट्स हैं, बच्चों के लिए कार्टून करेक्टर्स हैं, बच्चों के लिए बच्चों की राइड्स हैं, टीन एज के लिए टीन राइड्स हैं, फैमिली जोन के लिए फैमिली जोन है, सेलिब्रिटी हमारे पास बैंड आता है, डीजे सेलिब्रिटी आते हैं, नॉर्मल डीजे भी हैं, भांगड़ा ट्रूप भी है, हमारे पास फॉरनर्स भी हैं, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज है, सो दैट सारे गेस्ट इंजॉय कर सकें, हर प्रकार से इंजॉय कर सकें। सर फूड के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि लोग काफ़ी दूर से आते हैं पंजाब से, तो इनिशियली उन्हें खाने का भी यहाँ पंजाबी खाना की भी है, लोग जैसे पंजाब में खाते हैं छोले चावल, राजमा चावल, कड़ी चावल, वो सब भी है, यंगस्टर्स के लिए बच्चों के लिए पिज़्ज़ा है, बर्गर है, फ्रेंच फ्राई है, नूडल्स है, मैगी है, मोमोज है, सब कुछ है, जंक से लेके हेल्दी फूड हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है। अच्छा देखिए, हमने भी आपका वाओ वाटर पार्क का यहाँ एक विजिट किया है तो एक देखने को मिला है कि यहाँ पे एक ग्रीनरी भी काफ़ी है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए जो इसकी थीम है? हमने अपनी यहाँ पे हॉर्टिकल्चर ही बहुत अच्छा रखा है, इसके लिए एक अलग से टीम है जो उसको बरकरार रखती है, हॉर्टिकल्चर हमने यहाँ से डिवेल्प नहीं करे, इसको बनाए हुए हमें 15 साल होने वाले हैं, हॉर्टिकल्चर खास ध्यान दे रहे हैं, सेफ्टी पैरामीटर भी हम यहाँ पूरे ध्यान रखते हैं, गेस्ट के अंदर आने से लेके बाहर तक बच्चों का, बड़ों का, गर्ल्स का, सबकी सेफ्टी भी हम अच्छे तरीके से रखते हैं, यहाँ कुछ यूनिफॉर्म में सिक्योरिटी इंचार्ज है, कुछ बिना यूनिफॉर्म के भी है, सिविल में भी है, सो दैट हम उसको पूरा सेफ्टी पैरामीटर से सब कुछ करते हैं, ऐसे भी सेफ्टी अच्छी है, राइड्स की सेफ्टी भी बहुत अच्छी रखी गई। सर देखिए जैसे कि यहाँ देखा है बच्चों के साथ ऑल्ड सिटीजन सब लोग आते हैं, होल फैमिली भी यहाँ आती है, तो कुछ लोग मैंने देखा है कि वो हैंडीकैप हैं उनके लिए भी स्पेशली ये वाटर पार्क बना, उसके बारे में क्या कहना चाहिए, उनको क्या सुविधा दी गई है? वो आते हैं यहाँ पे वेव पूल पे कम्फर्टेबली, दे कैन सिट एंड ऑन एनी राइड, रेस्ट रूम भी उनके लिए अलग अलग बनाए गए हैं, वेव पूल पे कहीं भी बैठ सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, वेव्स पे आप आराम से बिठा सकते हैं, आराम से, कोई भी ऐसा नहीं है जो यहाँ आके इंजॉय नहीं कर पाता, सबके लिए हॉस्पिटैलिटी बड़ी अच्छी है, सर्विस स्टैंडर्ड बहुत अच्छे हैं, प्यार से बात की जाती है, कुछ भी कहीं पे भी ऐसा नहीं लगता कि आप घर पे नहीं हैं, बाहर हैं, लगता है कि घर पे यहाँ बैठे हैं। टेन न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत थैंक यू सो मच। तो देखिए अभी हमने यहाँ अमित गुप्ता जी से बातचीत की है, उन्होंने वॉक्स ऑफ वंडर्स के सभी राइड्स के बारे में हमें बताया कि उनकी ये जो वेव्स है ये सबसे पसंदीदा लोगों की राइड्स है, और आप देखिए आज वीकडेज है फिर भी लोग यहाँ काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं फैमिली के साथ यहाँ पर जो ओल्ड सिटीजन भी है आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं वाटर पार्क को, एक यहाँ हाइजीन का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया है। मैं मेघा राजपूत, आप देख रहे थे टेन न्यूज़।